गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। पल्स जेट इंजन कैन बी यूज्ड इन ऑप्शन ए स्टैटिक कंडीशन, बी डायनेमिक कंडीशन, सी बोथ ए एंड बी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। पल्स जेट कैन बी यूज्ड इन ए स्टैटिक कंडीशन एज वेल एज डायनेमिक कंडीशन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्बोजेट इंजन इज ए ऑप्शन ए हीट इंजन, बी हायर द टेम्परेचर ऑफ द कंबशन ग्रेटर इज द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, सी बोथ ए एंड बी। सो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। एयर कूल्ड ब्लेड इन टर्बाइन असेंबली परमिट्स ऑप्शन ए हायर गैस टेम्परेचर, बी लोअर गैस टेम्परेचर, सी कांस्टेंट गैस टेम्परेचर। सो करेक्ट आंसर इज हायर गैस टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंबशन चैम्बर व्हेन फ्यूल इज एडेड टू द एयर, ऑप्शन ए टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऑप्शन बी वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऑप्शन सी प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। And option D, all of the above. So in this question, option D is the correct one, all of the above. Let's move on to next question. Turbo propeller engine changes option A mechanical energy to heat energy, ऑप्शन बी गैस एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सो इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज गैस एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग प्रॉप फैन bypass ratio will be option A 15:1, option B 10:1, option C 5:1, option D none of the above. So correct answer is 15:1, that is option A. So next question, by using fan in dual spool or triple spool compressor bypass ratio will be option A 10:1, B 5:1, C 20:1. So correct answer is 5:1. Let's move on to next question.
इन स्मॉल इंजन ऑप्शन ए एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज यूज्ड टू बूस्ट द इनलेट प्रेशर टू द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बी आउटलेट प्रेशर टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सी इनलेट प्रेशर टू एक्सियल फ्लो कंप्रेसर सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज यूज्ड टू बूस्ट द इनलेट प्रेशर टू द सेंट्रीफ्यूगल मूव ऑन टू नेक्स्ट रोबस्ट कंप्रेसर इज ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल बी एक्सियल फ्लो सी बोथ ए एंड बी सो हियर करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द कंप्रेसर कंज्यूम्स मोर एयर फॉर सेम फ्रंटल एरिया ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल ऑप्शन बी एक्सियल ऑप्शन सी बोथ सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट इज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर विच कंज्यूम मोर एयर फॉर द सेम फ्रंटल एरिया एज सेंट्रीफ्यूगल सो ऑप्शन बी इज करेक्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इन विच इन स्मॉल इंजन विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज फिटेड ऑप्शन ए एक्सियल फ्लो ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फ्लो ऑप्शन सी नन ऑफ दैट सो हियर करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल फ्लो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इफ डबल एंट्री इंपेलर इज यूज्ड ऑप्शन ए प्लेनम चैम्बर नॉट रिक्वायर्ड बी प्लेनम चैम्बर रिक्वायर्ड सी सम टाइम रिक्वायर्ड सम टाइम प्लेनम चैम्बर नॉट रिक्वायर्ड सो हियर करेक्ट आंसर इज प्लेनम चैम्बर रिक्वायर्ड दैट इज ऑप्शन बी लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच प्रेशर राइज इन इंपेलर एंड डिफ्यूजर फिटेड इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ऑप्शन ए 50% इंपेलर प्लस 50% डिफ्यूजर बी 70% इंपेलर प्लस 70% डिफ्यूजर सी 55% इंपेलर प्लस 55% डिफ्यूजर सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 50% इंपेलर प्लस 50% डिफ्यूजर दैट इज करेक्ट आंसर लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट व्हाट विल बी इफेक्ट टू कीप एयर लीकेज मिनिमम बिटवीन इंपेलर एंड केसिंग ऑप्शन ए टू मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर बी टू मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ इंपेलर सी टू मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ वेंस सो हियर करेक्ट आंसर इज टू मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर दैट इज ऑप्शन ए दैट इज ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग